Hello everyone, in this video we will discuss about chapter number 6 lines and angles exercise 6.2 from class 9th. So mere paas first question kya bol raha hai, in figure find the value of x and y and then show that AB is parallel to CD. मेरे पास ये जो फिगर दी है, मेरे को इसमें से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मेरे को ये भी बताना है कि AB इज पैरेलल टू CD. सो यहाँ पे देखो, जो मेरे पास EF है, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है. जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स होंगे उनका मेरे पास सम कितना होगा, 180 डिग्री. सो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. सो मेरे पास एंगल AGE प्लस एंगल AGF मेरे पास कितना x है, इन दोनों का एंगल्स का सम मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री. सो EF इज अ स्ट्रेट लाइन, देन एंगल F प्लस एंगल AGE विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. AGF मेरे पास कितना है x और मेरे पास AGE कितना है 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो मेरे पास x कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 130 डिग्री. अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, ये मेरे पास एक एंगल y है और मेरे पास एक एंगल 130 डिग्री है. क्या ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है? यस, बाई प्रॉपर्टी ऑफ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बोलती है? अगर मेरे पास, इसको छोड़ो, ये टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, तो मेरे पास इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, मतलब कि इनके आमने सामने वाले एंगल्स होंगे, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे. और यहाँ पे मेरे पास है 130 डिग्री और यहाँ पे मेरे पास है y. सो y किसके इक्वल हो जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है. सो y वर्टिकली अपोजिट एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है. मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई. अब देखो, मेरे को अब ये शो करना है कि AB इज पैरेलल टू CD. सो अगर मेरे पास फोर प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी लाइन को, मतलब कि पैरेलल शो करने के लिए, अगर उन फोर प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाए तो मेरे पास लाइन्स पैरेलल होती है. फर्स्ट मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग होती है, सेकेंड इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थर्ड इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड फोर्थ इज कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल. अब देखो, मेरे पास जो एंगल x एंड y है, ये मेरे पास टू पैरेलल लाइंस है, उनको एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रही है. ये x एंड y मेरे पास इंटीरियर एंगल है. मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ गई, 130 डिग्री, y कितना आ गया, 130 डिग्री. तो मेरे पास बाई अल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, 130 डिग्री. सो x इज इक्वल टू y, विच मीन्स एंगल x इज इक्वल टू एंगल y बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है. सो मेरे पास इसने एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, विच मीन्स जो मेरे पास लाइंस हैं AB पैरेलल करती हैं CD को. सो AB इज पैरेलल टू CD, हैंस प्रूफ, मेरे को यही प्रूफ करना था. सो दिस इज योर आंसर. अब मेरे पास है सेकंड क्वेश्चन, क्या बोला है, अगर AB इज पैरेलल टू CD है और CD इज पैरेलल टू EF है एंड y रेशियो z मेरे पास कितनी है, 3:7, तो मेरे को x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. AB किसके पैरेलल है, CD के, और CD किसके पैरेलल है, EF के, और मेरे पास y और z की रेशियो कितनी दी हुई है, 3:7. सो मेरे पास गिवन क्या है, y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7. इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, y अपॉन z इज इक्वल टू 3/7, और मैं इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकती हूँ, y अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 7. अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो y अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 7 आया, इसको मैं k के इक्वल कर दूंगी, k इज एनी नंबर. सो y अपॉन 3 मेरे पास आ गया k एंड z अपॉन 7 मेरे पास आ गया ऑल्सो k. सो मेरे पास y कितना आ गया, 3k, एंड z कितना आ गया, 7k, ठीक है. अब देखो, मेरे पास ये एंगल z है, ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे भी कोई एंगल है, ठीक है. तो मेरे पास ये जो मेरे पास
टू एंगल्स हैं डी ओ पी, ठीक है, एंड ओ पी एफ। ये जो मेरे पास टू एंगल्स हैं इनका सम मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री बाय कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में से। अब देखो, एंगल डी ओ पी प्लस एंगल एफ पी ओ विच इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो मेरे पास डी ओ पी कितना है ये मुझे नहीं पता, सो डी ओ पी मैं एज इट इज़ प्लस एफ ओ पी मेरे पास है जेड विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डी ओ पी जेड मेरे पास कितना आया 7K प्लस 7K इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इम्प्लाइज एंगल डी ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 7K। अब देखो, ये जो मेरे पास एंगल डी ओ पी है, ठीक है, क्या वो एंगल वाई के इक्वल है? यस, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि मेरे पास इसको भी आप छोड़ो और आप इसको भी छोड़ो, सो ये मेरे पास टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाली और ये वाली टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मेरे पास क्या बोलता है, अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करी है एक पॉइंट पे, तो मेरे पास उनके जो आमने सामने वाले एंगल्स होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो मेरे पास एंगल डी ओ पी किसके इक्वल आ गया, एंगल आर ओ सी के। डी ओ पी मेरे पास कितना है मुझे नहीं पता, डी ओ पी एज इट इज़ आ गया, और मेरे पास आर ओ सी कितना है वाई, ठीक है। सो मेरे पास एंगल डी ओ पी किसके इक्वल आ गया, वाई के, और मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी है 3K। सो मेरे पास डी ओ पी की वैल्यू भी आ गई, तो मैं क्या करूँगी, डी ओ पी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँगी, विच इम्प्लाइज 3K इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 7K विच इम्प्लाइज 10K इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे पास K कितना आ गया 80 डिग्री, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ से मैं Y और Z की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो मेरे पास Y कितना था 3K विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 80 विच इज इक्वल टू 54 डिग्री। मेरे पास Y कितना आ गया 54 डिग्री। सिमिलरली Z इज इक्वल टू मेरे पास था 7K विच इम्प्लाइज 7 मल्टीप्लाई 18 विच इज इक्वल टू 126 डिग्री। सो मेरे पास Z कितना आ गया 126 डिग्री। मेरे को क्या बोला है क्वेश्चन में, X की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो देखो, ये मेरे पास X और Y टू एंगल्स हैं, तो मैं इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगी, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। उससे क्या बोलता है कि अगर हमारे पास टू पैलर लाइंस है, इसको छोड़ो आप, अब ये देखो क्या बोलता है, अगर मेरे पास टू पैलर लाइंस है उनको अगर एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो मेरे पास उनके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे ट्रांसवर्स के सेम साइड पे, वो क्या होंगे, उनका सम मेरे पास कितना आएगा 180 डिग्री। सो मेरे पास ये टू पैलर लाइंस और ये मेरे पास ये ट्रांसवर्स है, और ट्रांसवर्स के इंटीरियर एंगल कौन कौन से आ रहे हैं, एक्स एंड वाई, सेम साइड बोला है, तो आएगा एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। सो मेरे पास आएगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना आ जाएगा 180 डिग्री बाय कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। सो मेरे पास वाई कितना है 54 डिग्री, सो मेरे पास एंगल एक्स प्लस 54 डिग्री प्लस 180 डिग्री आया। सो मेरे पास एंगल एक्स कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, सो मेरे पास एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक्स इज इक्वल टू 126 डिग्री, और यही आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो दिस इज योर आंसर। अभी मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ, ये मेरे पास है एफ, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी मेरे पास कितना है 126 डिग्री, और मेरे को कौन कौन से एंगल फाइंड आउट करने हैं, ए जी ई ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, जी ई एफ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और एफ जी ई और ये वाला एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है। अब देखो मेरे पास क्या गिवन है, जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, तो मेरे पास ये वाला जो पूरा एंगल है ये मेरे पास कितना है 126 डिग्री, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, ये मेरे पास है 126 डिग्री। अब देखो मेरे पास गिवन है GED विच इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। अब देखो ये मेरे पास EF है किसके परपेंडिकुलर है, CD के। सो मेरे पास FED कितना आ जाएगा, ये मेरे पास एंगल बना है मतलब कि ये कितना है 90 डिग्री के इक्वल। सो एंगल FED मेरे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। अब देखो मेरे पास ये भी है और ओवरऑल एंगल भी है, मेरे को क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, ये वाला जो मेरे पास एंगल, मेरे को GEF निकालना है, ये वाला एंगल ये कैसे निकलेगा, होल एंगल में से अगर मैं 90 डिग्री माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला एंगल। सो मेरे पास एंगल आ गया GEF विच इज इक्वल टू, होल एंगल मेरे पास कितना है 126 डिग्री, माइनस अगर मैं 90 डिग्री माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कितना बचेगा, GEF एंगल बचेगा माइनस 90 डिग्री, तो मेरे पास कितना आया 36 डिग्री। सो एंगल GEF कितना आया 36 डिग्री। ठीक है, एक तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो ये जो मेरे पास एंगल GED है, ठीक है, ये मेरे पास एंगल AGE के इक्वल है, कैसे, बाय अल्टरनेटर इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में से। एंगल AGE विच इज इक्वल टू एंगल GED बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में से। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये वाला एंगल यानी कि 126 डिग्री, अगर मेरे पास टू पैरेलल लाइंस है उनको एक ट्रांसवर्स कैंसिल करिए, EF को आप छोड़ दो, उनको एक ट्रांसवर्स कैंसिल करिए, तो मेरे पास उनके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे अल्टरनेट वाले, वो मेरे पास एक दूसरे के इक्वल्स होंगे। सो मेरे पास AG कितना आ गया, एंगल AGE, GED मेरे पास कितना है 126 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, मेरे पास ये वाला ये वाला एंगल भी मेरे पास फाइंड आउट होके आ गया। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, एंगल FGE, ये कैसे फाइंड आउट होगा, देखो जो मेरे पास EF है वो परपेंडिकुलर CD के भी है और सेम EF का वो परपेंडिकुलर कर रहा है AB को भी। ठीक है, EF इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ऑल्सो ये जो मेरे पास बन रही है, ये मेरे पास है एक ट्राइंगल, ऑल्सो ट्राइंगल GF, ऑल्सो ट्राइंगल GFE। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मेरे पास कितना निकल के आया 36 डिग्री, और ये इसके परपेंडिकुलर है तो मेरे पास ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। तो मेरे को क्या बोला है, FGE मेरे को फाइंड आउट करना है, FGE। तो अगर मैं बाई ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी, मतलब कि अगर तीनों एंगल्स का सम कर ले तो मेरे पास टू एंगल तो गिवन है, तो तीसरा एंगल कैसे निकल जाएगा, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तीनों एंगल्स के सम मेरे पास किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। ठीक है, बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी वी है क्या आ जाएगा, एंगल FGE प्लस एंगल GFE प्लस एंगल GEF विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल FEG तो मेरे को पता नहीं है, तो मेरे पास GFE कितना है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और मेरे पास GEF कितना है 36 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे पास एंगल FGE कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। सो मेरे पास एंगल FGE कितना आ गया, 54 डिग्री। दिस इज योर आंसर, यही आपको एंगल फाइंड आउट करना था। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ PQ इज पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR कितना है 110 डिग्री एंड एंगल RST कितना है 130 डिग्री, फाइंड QRS। सो इस क्वेश्चन में क्या करूँगी, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, पैलर कर लूँगी ST और PQ के जो पैलर होगी,
ये मेरे पास पॉइंट आ गया ए और ये मेरे पास आ गया बी, ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। सो मेरे पास पता है एस टी इज़ पैलर टू ए आर बी, ये इस लाइन के पैलर है, ठीक है। सो एंगल एस आर बी, ठीक है, प्लस एंगल आर एस टी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के, बाई कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। सो एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में से। सो मेरे पास आर एस टी कितना है, 130 डिग्री। सो 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेरे पास एंगल एस आर बी कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री, विच इम्प्लाइज एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब मेरे पास सेम जो पी क्यू है वो भी इस लाइन के पैलर है। सो पी क्यू इज पैलर टू ए आर बी। अब इसमें देखो मेरे पास एंगल पी क्यू आर और क्यू आर बी, ठीक है, ये भी एंगल मेरे पास क्या आएंगे, ये वाला एंगल और क्यू आर बी, यानी कि ये वाला एंगल पूरा, ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के, बल्कि इनका सम मेरे पास 180 डिग्री के इक्वल आएगा बाई कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में से। सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। सो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू आर बी मेरे पास कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। सो मेरे पास आ गई ये 70 डिग्री के इक्वल। अब देखो मेरे पास एस आर बी कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक है, एंड मेरे पास क्यू आर ए कितना आ गया सो मेरे पास क्यू आर ए कितना आ गया, 70 डिग्री। सो मेरे पास टू एंगल्स आ गए और मेरे को क्या बोला था, क्यू आर एस हमें फाइंड आउट करना था। ये कैसे फाइंड आउट होगा, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल प्रेजेंट हो उनका सम मेरे पास होता है 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आर बी इज अ स्ट्रेट लाइन। सो उस पर जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम मेरे पास 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। सो एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे पास क्यू आर बी कितना है, 50 डिग्री, प्लस क्यू आर ए मेरे पास कितना है, 70 डिग्री, और क्यू आर एस तो मेरे को निकालना है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो क्यू आर एस एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस के 120 डिग्री, विच इम्प्लाइज मेरे पास क्यू आर एस कितना आ गया, 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर, और यही आपको फाइंड आउट करना था। अब मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू मेरे पास कितना है, 50 डिग्री, एंड पी आर डी मेरे पास कितना है, 127 डिग्री, तो मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास क्या है, एंगल ए पी क्यू किसके इक्वल है, एंगल पी क्यू आर के, क्यों, बाई अल्टरनेटर इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में से। सो एंगल ए पी क्यू विच इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में से। सो ए पी क्यू मेरे पास कितना है, 50 डिग्री, और मेरे पास पी क्यू आर कितना है, x, सो मेरे पास x कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये है z और मेरे पास ये है एंगल 127 डिग्री। सो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम मेरे पास आएगा 180 डिग्री के, ठीक है।
सो जेड प्लस 127 डिग्री मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि जो होल एंगल आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, 180 डिग्री। सो इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। सो ऐसे मैं जेड की वैल्यू निकालूंगी, सो 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 53 डिग्री। सो मेरे पास जेड कितना आ गया, 53 डिग्री। अब मेरे पास एक्स कितना आ गया, 50 डिग्री, और मेरे पास जेड कितना आ गया, 53 डिग्री, और मेरे को वाई की वैल्यू निकालनी है। सो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो मैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगी, मतलब कि जितने भी हमारे पास ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम मेरे पास कितना आएगा, 180 के इक्वल। ठीक है, सो मेरे पास आया बाई ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव, मेरे पास उससे क्या आया, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर सॉरी क्यू पी आर विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो मेरे पास एंगल पी क्यू आर कितना है, एक्स, एक्स प्लस पी आर क्यू मेरे पास कितना है, वाई, और सॉरी पी क्यू आर मेरे पास है जेड, और मेरे पास क्यू पी आर कितना है, वाई, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे पास जेड और एक्स की तो वैल्यू है, उनकी मैं वैल्यू पुट कर दूंगी। सो 50 डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। सो इससे मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 77 डिग्री। सो यही आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 50 डिग्री, और y की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 77 डिग्री। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।